हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नए वीडियोस के साथ, जिसमें हम लोग एक्सेल में IRR NPV मीन्स लॉजिकल कुछ फॉर्मूलर्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो सीखेंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एडुकेशन जोन, जहाँ पे हम लोग हर टाइम लेके आते हैं कुछ नए वीडियोस फॉर योर एडुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पर्पस। तो देखिए, आज मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ पहले IRR एंड NPV कैलकुलेशन। इसके लिए मैंने क्या ली है, मैंने कुछ आउटफ्लो मींस जो हम कुछ दे रहे हैं, जैसे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे कुछ पैसे लगा रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं आउटफ्लो। आउटफ्लो देखिए नेगेटिव साइन के साथ है। क्यों नेगेटिव साइन के साथ है, क्योंकि ये हमारे तरफ से जा रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे तरफ से माइनस हो रहा है। ओके, तो कोई इन्वेस्ट कर रही हो मतलब ऑब्वियसली उसके साथ में कुछ हमें इन रिटर्न मिलेंगे, तभी हम लोग कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिए, मैं यहाँ पे इनफ्लो मतलब हमारे पास आ रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ है। ये 5 बार 40,000 करके आए हैं, 2 लाख रुपया इन्वेस्ट की हूँ, उसके हिसाब से इन रिटर्न वी गॉट समथिंग। अब ये जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो की रेशियो है, उसे हम लोग कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो चलिए हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं अब। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम पहले ही बता चुकी हूँ बहुत बार कि कोई भी एक्सेल फॉर्मूला जब स्टार्ट होता है ना, तो उसके इक्वल साइन के साथ स्टार्ट होता है। तो देखिए, ये मैं इक्वल साइन दी हूँ। हम लोग ये फॉर्मूलाज और फंक्शंस, एक्सेल के फंक्शंस हम ना डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फॉर्मूलाज से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दो तरफ ही दिखाऊंगी। देखिए, पहले मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इक्वल टू IRR फर्स्ट ब्रैकेट, इसके साथ में अब मैं वो सारे सेल जहाँ पे आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज है, यहाँ पे एक ही आउटफ्लो है, अगर आपके 2-3 आउटफ्लो रहे तो 2-3 आउटफ्लो को भी आपको इसी तरीके से लेना है। एक साथ में मैं ये सारे सेल को सिलेक्ट करूँगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर रही हूँ, इक्वल साइन देके IRR लिखी हूँ। लिखने के बाद ऑल आर इन कैपिटल, मैं विद इन फर्स्ट ब्रैकेट ये सारे सेल को सिलेक्ट की हूँ। अब मैं फर्स्ट ब्रैकेट को एंड करूँगी और एंटर प्रेस करूँगी। ओके, रिमेंबर इट इज़ डायरेक्टली आई एम राइटिंग। यहाँ पे IRR के फॉर्मूला तो डायरेक्ट है, इतने सारे सेल को सिलेक्ट करना है तो हम लोगों को याद रह सकता है। अगर आपको याद ना रहे तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली देयर इज़ सम अदर वे ऑल्सो। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि 2 तरीके से हम लोग सिखा सकते हैं। एक है डायरेक्ट, आपको अगर फॉर्मूला याद है, और नहीं तो देखिए ये मैं दूसरे तरीके से दिखा रही हूँ। ऐसे इक्वल साइन तो देना मस्ट है, मैंडेटरी। देन मैं यहाँ पे फॉर्मूला, ये देखिए ऊपर में स्क्रीन में देखिए फॉर्मूला, वहाँ पे फिनांशियल फॉर्मूला, देन फिनांशियल। ओके, ये देखिए मैं फॉर्मूला में क्लिक की, फिर वहाँ पे फिनांशियल, जैसे जहाँ पे होम ये सब टूल्स बार रहते हैं ना, वहाँ पे हमें फॉर्मूला बार मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला में मैं क्लिक की हूँ, उसके बाद मैं आई हूँ फिनांशियल में। ये देखिए मैं शो करके दिखा दे रही हूँ फिनांशियल, बहुत सारे टाइप्स के हैं। मैं आज बता ही चुकी हूँ IRR NPV दिस ऑल आर ए फिनांशियल। सो मैं फिनांशियल फार्मूलाज में क्लिक की, यहाँ से देखिए मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे लिस्ट ऑफ लॉजिकल फार्मूला, आपको फिनांशियल फार्मूलाज मिल जाएंगे, लॉजिकल में लॉजिकल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ से IRR को ले रही हूँ। ये देखिए मैं स्क्रीन को इसलिए ही यहाँ से दिखा रही हूँ ताकि आपको बिगर व्यू मिले। ये देखिए IRR मैंने ले ली, सिलेक्ट कर ली। सो अगर आपको फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है, तो इक्वल साइन दीजिए फॉर्मूला बार से, जिस तरीके से मैथमेटिकल हो तो मैथमेटिकल, लॉजिकल हो तो लॉजिकल, फिनांशियल हो तो फिनांशियल। अब मैं फिनांशियल ले रही हूँ तो ऑब्वियसली फिनांशियल फार्मूला ही से लूँगी। तो मैं इस तरीके से देखिए यहाँ पर लिस्ट है, स्क्रॉल करते हुए आपको लेना है IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो मैं IRR को ले ली। IRR को क्लिक करते ही देखिए, मैं जब क्लिक कर रही हूँ
उसके साथ में ही आपके पास मिल जाएंगे आपको एक ऐसे विंडो। ये देखिए यहाँ पे देखिए टू टाइप्स के राइटिंग है, जो वैल्यूज़ लिखा हुआ है वो है ब्लॉक बोल्ड लेटर में देखिए, और एक है रेगुलर। जो बोल्ड में लिखा रहता है ना उसको आपको भरना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, अदरवाइज़ आपके फॉर्मूला काम नहीं करेंगे। और जो रेगुलर है उसमें आप कर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, हम यह नहीं भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम वैल्यूज़ में जैसे कि बताई थी पिछले बार भी, उसी सेम वे में यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, मैं सारे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, वहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख के कर रही थी, यहाँ पे फार्मूला बार को यूज़ करके फार्मूलाज ऑप्शन से वहाँ से आई आर आर सिलेक्ट करके देखिए सेम ले ली। अब मैं ओके प्रेस करूँगी, आप एंटर प्रेस भी कर सकते हैं या कर्सर को ले जाके आप क्लिक करेंगे। सो मैं क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फिर से दिखा दे रही हूँ आई आर आर के फार्मूला, फिर मैं ये विंडो भी दिखा दी। नाउ जस्ट इसको मैं एंटर प्रेस करूँगी। ओके, सो द सेम वे यू कैन एबल टू डू। अब आपको शायद समझ में आ गया होंगे, देखिए सेम वैल्यूज आ गया। अब मैं उसी तरीके से एन पी वी का कैलकुलेशन दिखाऊंगी, एन पी वी नेट प्रेजेंट वैल्यू। वैसे ही दो तरीके से मैं दिखाऊंगी यहाँ पे, एक है डायरेक्ट और एक है आपको फॉर्मूला बार यूज़ करके। सो देखिए मैं यहाँ पे एन पी वी कैलकुलेट कर रही हूँ, एन पी वी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे भी मैं उसी तरीके से लिख रही हूँ। पहले दो तरीके से दिखाऊंगी, तो पहले मैं इक्वल साइन देके आपको दिखा रही हूँ। मुझे तो फॉर्मूला याद है कि एन पी वी में मैं क्या करूँगी, इक्वल टू एन पी वी लिखना पड़ता है, उसके साथ में मैं बता दे रही हूँ, उसके साथ रेट ऑफ रिटर्न आई आर आर को देना पड़ता है, और आपको मैं दिखाती हूँ उसके बाद में। और अगर मैं पहले लॉजिक फॉर्मूला बार से दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखिए उसी तरीके से फॉर्मूला फिनांशियल फॉर्मूला टूल बार से ले रही हूँ, उसके बाद फिनांशियल ले रही हूँ, फिनांशियल से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, जैसे जहाँ से आई आर आर सिलेक्ट की थी वहाँ पे मैं अभी एन पी वी को सिलेक्ट कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे आपको सारे फिनांशियल फार्मूलाज मिलेंगे, फंक्शंस और फार्मूला जो वाट एवर यू आर टेलिंग। तो देखिए उसी तरीके से यहाँ पे भी एक विंडो आ गया, देखिए मैं विंडो को दिखा रही हूँ आपको, क्लिक करने के साथ साथ ही आ जाते हैं ये विंडो। ये देखिए मैं विंडो को सामने ले आई हूँ ताकि आपको देखिए, यहाँ पे दो बोल्ड लिखा हुआ है और एक रेगुलर में, बोल्ड में लिखा है रेट और वैल्यूज़। तो ये जो बोल्ड में लिखा है मैंने पहले ही बताई थी कि जो बोल्ड में लिखा रहे उसको आपको भरना ही पड़ेगा, उसको आप बिना भरे रखेंगे तो आपका फंक्शंस काम नहीं करेंगे। अगर आप फॉर्मूला भूल गए डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट भी लिख के आपको दिखाऊंगी, अगर आप भूल गए तो यही ऐसे ही ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिटर्न में मैं आईआरआर को दी, ठीक है, रेट जो है वो मैं आईआरआर को दे रही हूँ, और वैल्यूज़ में मैं ऑल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को दे रही हूँ, ठीक है, ऑल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं ओके प्रेस कर रही हूँ, सो आई एम गेटिंग, देखिए यहाँ पे तो पांच बार मुझे 40,000 करके इन रिटर्न मिला है, तो मतलब 2 लाख्स, तो इसमें और कुछ नहीं। और आप इसी तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, सो दिस वे यू कैन एबल टू कैलकुलेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं, मतलब आपके काम पे लगा है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, ऐसे ही हमारे चैनल डाउन में जा रहे हैं। सो अगर आपको चाहिए ऐसे वीडियोज़ चाहिए तो आपको क्या करना है, ऑब्वियसली लाइक सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली यू हैव टू शेयर इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम आवर चैनल। और हाँ, अगर आपको कुछ चाहिए और कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, उस हिसाब से हम लोग आपके सेवा में रहेंगे और आपको वीडियोस देते रहेंगे। और एक चीज़ बताना ज़रूरी है, हमारे चैनल फिर से मैं बता रही हूँ डाउन जा रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि की ऑफ एजुकेशन जोन की तरफ से आपको सेवा मिलते रहे, तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो जय हिंद, जय भारत।